सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो माँ तो भूली है, माँ शब्द ही भोला है। माँ माँ कितनी भोली है, और माँ ही बेटे के लिए भोली है। माँ ही भोली है, इसलिए माँ की आराधना करते रहिए, माँ का चिंतन करते रहिए, माँ की साधना और माँ का ध्यान करते रहिए। जीवन सफल हो जाएगा, माँ के बिना अधूरा है जीवन। कहते हैं किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। इसलिए माँ जरूरी है हमारे जीवन में। जन्म देने वाली माँ नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ जगदम्बा पराम्बा तो होनी ही चाहिए। उन्हें को माँ मान लीजिए, वही तो हमारी माँ हैं, जो जगत कल्याणी हैं, जगत नियंता हैं, जगत का पालन करने वाली हैं। उसी समय माँ कालिका गले में मुंडपाल पहन करके, खड़ग धारण करके और जिभ्या को लप लपाती हुई चंड मुंड की युद्ध करने के लिए सामने आ गई सम्रांगण में। क्योंकि कि माँ ही ऐसी है कि जो माँ अपने बेटों का, अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती, वो केवल माँ है। देवता जब भी जाते हैं माँ के चरणों में तो माँ तुरंत आती हैं अपने सिंह पर सवार होकर के, खड़ग लेकर के, मुंड माला पहन करके, कालिका को साथ में लेकर के युद्ध करने लगती हैं। तो चंडमुंड से माँ भगवती ने युद्ध किया और ऐसे ही भीषण गर्जना होने लगी। चंडमुंड के जितने भी बाण बरसते थे, चंडमुंड जितने भी बाण माँ भगवती के ऊपर चलाते थे ना, सारे बाण माँ भगवती कालिका उनको चबा जाती थी। कोई भी बाण सामने आता नहीं था, पहले ही चबा जाती थी। दैत्यों को खाने के लिए और देती थी, तो माँ भगवती दैत्यों को भी खाने लगी। इधर उधर सब भागने लगे, दौड़ने लगे और उधर पीने लगी। मदोन्मंत होकर के अंततो गत्वा मंत्रा शक्ति से पास शस्त्र से चला करके दोनों वीरों को बंधन में बांध दिया माँ भगवती ने। चंड और मुंड को देवी की आज्ञा से कालिका ने रणभूमि में खड़क संभाल लिया और दोनों का सिर छेदन करके उनको भी मार डाला। बोले साचे दरबार की जय। उनका रुधिर पीने लगी। कालिका की इस दुस्तर कार्य से देवी ने उन्हें, माँ भगवती ने उनका नाम एक दे दिया चामुंडा। आपने देखा ना चामुंडा माता के मंदिर होते हैं, एक बार हम लोग गए थे चामुंडेरी में, उसका नाम ही माँ चामुंडा के नाम से था। गांव राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट पाली में चामुंडेरी, तो वहाँ माँ भगवती का बड़ा सुंदर मंदिर बना है चामुंडा का, उसी के नाम से ही पूरे गाँव का नाम है। तो उस तभी ये चामुंडा नाम पड़ा जब चंडमुंड का वध किया, माँ भगवती ने अपने इस देवी का नाम चामुंडा रख दिया। कि चामुंडो हतो यस्मास्तस्माते नाम कालिका, चामुंडे ते सुविक्षातम भविष्यति धरातले। बोले चामुंडा मात की। तो चामुंड चंडमुंड की वध से सारे दानव सेना जो है इधर उधर भाग गई और शुंभ के पास जाकर कहने लगे, महाराज चंडमुंड को भी मार दिया गया। जितने भी दानव आ रहे हैं माता की भगवती के पास में, सभी को मारते जा रहे हैं, कोई बाकी बचा नहीं। अब दानव सेना ने शुंभ शुंभ से कहा और शुंभ से आकर के कह दिया, महाराज अब क्या करें, हमारी रक्षा करो, ऐसा ना हो कि कहीं हमको भी माँ भगवती की उसकी जो कालिका है कोई हमको हमारा भी रक्त पी जाए, हमको भी खा जाए। उनका शेर सभी को खा जाता है, उसका रक्त का पान कर जाता है।
कि रक्ष रक्ष महारक्ष भक्ष यद्य कालिका भक्षिता सैनिका सर्वे वयम भगना भयातुरा। तो कालिका तो घुड़सवार हाथी सवार ऊंट सवार पैदल सैनिक और सबको खा रही थी जो सामने आ रहा था। संग्राम भूमि में रुधिर की नदी बह रही थी। दैत्य कुल की रक्षा कीजिए, शीघ्र पाताल को लेकर के जाइए। तो कुलम रक्षा महाराजम पातालम गच्छ सत्वरम। थोड़े सुख के लिए इतने दानव कुल के सैनिक मारे जा रहे थे। सब बांधव मर जाने पर अकेली स्त्री को लिखी क्या करेंगे कि वह सब देवताओं की स्वामिनी है, सर्वशक्ति संपन्न है, अजय है, अक्षय है, नित्या है, सर्वज्ञ है, निर्गुणा है, सगुणा है, सिंघ्या है और संध्या वादिनी है। अर्थात माँ भगवती की उस रूप को देख करके सभी देवता चिंतन करने लगे और स्तवन करने लगे, उनका ध्यान करने लगे। तो मातृगणों की जो देवियों की जो वाहन है ना, ये जो माता की देवी है ना, ये इनकी अलग अलग वाहन भी हैं, अलग अलग इनके नाम भी हैं। कि यस्वदेवस्य द्रूपम यथाभूषण वाहनम कि ताद्रूपास्तदा देव्याः प्रययो समरांगणे। जिस देवता का जैसा रूप भूषण और वाहन था, वैसे ही युक्त देवियां समर में आ गईं। जितने भी दैत्यों की सेना थी और सैनिक थी, जैसा जिनका रूप था, स्वरूप था, वाहन था, उसी रूप और स्वरूप और वाहन के अनुसार देवियां प्रकट हो गईं, उतनी ही देवी प्रकट हो गईं। ब्रह्माणी हंस पर सवार होकर के आई, रुद्राक्ष की माला पहन करके, कमंडल धारण करके, ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्माणी प्रकट हो गई। वैष्णवी आई गरुण पर सवार होकर के, हाथ में त्रिशूल, हाथ में चक्र लेकर के, पद्म लेकर के, पीतांबर धारण करके विष्णु के साथ प्रकट हो गई। और वैष्णवी आई, शिवा आई, शिवा आई बैल पर चढ़ करके। शिवा कौन है? पार्वती। बैल पर चढ़ करके आई, हाथ में त्रिशूल लेकर के, मस्तक पर अर्धचंद्र लेकर के, सर्पों के कंगन पहन करके आई और भगवान शिव के साथ में प्रकट हुई। और कौमारी देवी आई, ये कौमारी देवी का वाहन है मयूर। ये मयूर पर बैठ करके आई, हाथ में शक्ति लेकर के आई, स्वामी कार्तिकेय की शक्ति लेकर के वहां प्रकट हो गई। और इंद्री आई, इंद्री माने इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। तो स्वयं इंद्र भी हाथी पर चलते हैं, तो उनकी पत्नी भी हाथी पर बैठ करके आई, हाथ में वज्र लेकर के, रोष के साथ में इंद्र की इंद्रिय शक्ति प्रकट कर दी। तो वहां वाराही नाम की देवी आई। तो वाराही नाम की देवी जो है प्रेत पर सवार होकर के आई, प्रेत की सवारी थी ये, हाथ में शस्त्र लेकर के और सूकर का रूप बना करके आई, सुअर पिग, सुकर का रूप बना करके आई और वाराही शक्ति प्रकट कर दी। और नरसिंह की देवी आई, नरसिंह के ऊपर बैठ करके तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र लेकर के और नखून के उनके अस्त्र शस्त्र से और आकर के प्रवेश हो गई। और यम्या आई, यानी कि यमराज की पत्नी यम्या, यमरानी, ये महेश पर बैठ करके आई, भैंसे पर बैठ करके, दंड हाथ में लेकर के यमराज की याम्या शक्ति वहां आकर के प्रकट कर दी। और फिर आई वारुणी देवी, वरुण की शक्ति प्रकट कर दी। फिर आई कौबेरी, कौबेर की शक्ति। इसी प्रकार से अनन्य देवताओं को भी अपने अपने शक्तियों को रणभूमि में प्रकट हुई है।
जितने असुर हैं, असुर भी अपने अपने मायाओं के अनुसार वेश बदल करके आते हैं, रूप बदल बदल करके आते हैं, कितने रूप धारण करते हैं, क्योंकि माया जो है इस माया से अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं, अपना स्वयं का एक रूप नहीं होता, इधर उधर के रूप बना करके और माँ भगवती से युद्ध करने लगे। तो देवताओं ने देखा कि देवियों के ऊपर पुष्प वृष्टि करके जय जयकार करने लगे। जितनी भी देवतियां माँ भगवती ने मन में विचार किया, सोची, वो सब आ गई। इसके बाद में दूसरी शक्ति मातृ शक्ति देख करके दैत्य सेना बड़ी भयभीत हो गई कि अब नहीं बच पाएंगे। इन शक्तियों के साथ में परस्पर भीषण युद्ध छिड़ गया। इसी समय चंडिका के शरीर से अद्भुत शक्ति निकली कि चंडिकायाः शरीरतो निर्गता शक्तिरद्भुता। वह शक्ति भीषण और प्रचंड थी। भीषण शक्ति को देख करके सभी दैत्य घबरा गए। सैकड़ों सियारणियों के झुंड आ गए, शेर और सियारणी के झुंड आ गए, जिनको देख करके शेर और सियारणी उनको दैत्यों को खाने लगे, और जो जो भागने लगे हैं उनके सबके पीछे पीछे एक एक शेर और शेरनी भागने लगी हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।